गुरु खालसा साहब संत जी भागी हो जो शहीदां दे सरताज शांति दे मुंज धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराजियां दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित जो संध्या समय दीवानां दी लड़ी चल रही है उस दे विच हाजरियां भर के श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ करके लाहा प्राप्त किया है। आओ जो सतगुरु साहिब महाराज जियां दी कृपा सदका धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी शहीदी नूं समर्पित सतगुरु साहिब महाराज जियां दी उचारण की हुई गुरबाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ी बार कथा चल रही है उस दे नाल जुड़िए। सब तो पहला झुकाओ गुरु चरणा दे विच शीस कोई भी रसना वानगी ना लगे सारे की आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल असीं सारिया ने पहले सलोक की विचार सरगण की सी। अगे सतगुरु साहिब महाराज जी अष्टपदी दे विच कृपा करते हैं। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी अष्टपदी का मतलब है अष्टपदी अठ पदियां वाला शब्द जिहदे एक एक पदे दे विच दस दस पौड़ियां हन ते सतगुरु साहिब महाराज जी अष्टपदी दे विच कृपा करते हैं। सिमरो सिमर जदों गुरबाणी का एकांत दे विच पाठ करना होवे ना ते विश्राम लगता है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। ते धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं कि भाई उस अकाल पुरख परमात्मा नूं सिमरना करो। मन बाणी शरीर करके उस अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन करो कि होवेगा सुख पावो सुखां की प्राप्ति होवेगी। जदों अकाल पुरख परमात्मा के सिमरन के नाल जुड़ोगे बार बार अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन करोगे तो अकाल पुरख परमात्मा की कृपा के नाल हर तरह का सुख तुहाडे जीवन दे विच आ जाएगा। फिर मंगण की लोड़ नहीं पड़ेगी। जदों तुसी गुरबाणी दे नाल जुड़ जाओगे बार बार गुरबाणी का पाठ करोगे तो जेडे मन के ख्याल हैं जेडियां मन दियां चितवनियां हैं जां जो भी मन की मंग है वो परमेश्वर अपने आप ही पूरी करी जाएगा। सुते सिद्ध की जो साडियां मंगा हैं वो अकाल पुरख परमात्मा पूरियां करेगा जे असी अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन करांगे। ते सतगुरु साहिब महाराज जी भी कृपा करते हैं कि भाई उस अकाल पुरख परमात्मा नूं सिमरो। मन बाणी शरीर करके अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन करो अथवा जो सिमरन दे योग परमात्मा है उस अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन करो तुहानू सुख की प्राप्ति होगी। कल कलेश तन माहे मिटावो। ते नाल ही जिहड़े तन तो भाव के शरीर के कई तरह के कला कलेश हन सतगुरु साहिब महाराज जी फरमाते हैं कि वो भी भाई खत्म हो जाना कर देंगे क्योंकि देख लेना करो अजोके समय के कोई बिरला ही होगा जिस घर के कला कलेश ना हो। कला कलेश का कारण की है कि मन व्याकुल है मन दुखी है मन काम क्रोध लोभ मोह हंकार के जगड़िया होया है। तो सतगुरु साहिब महाराज जी फरमाते हैं कि कल कलेश तन माहे मिटावो कि भाई अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन करो। अकाल पुरख परमात्मा के सिमरन के नाल जितने भी कल कलेश हैं वो शरीर के दूर हो जाते हैं। सिमरो जास विसम पर एक है इनू भी उच्चारण कर लगियां थोड़ी जी डैश दे के सिमरो जास विसम पर एक है। विसम पर तो भाव विसम पर भाव जो सारे संसार नूं भरन वाला है। सतगुरु साहिब महाराज जी दसदे भी हन कि सिमरन कर
सिमर उदास विसंपर्क है। केंद्र जो पूरे विश्व नूं भरन वाला है, जो सारियां दी पूर्ति करन वाला, भाव सारियां दी प्रतिपालना करन वाला है, सारियां दियां लोड़ां नूं पूरियां करन वाला है, अकाल पुरख परमात्मा। केंद्र वो एक है जो सारियां दी प्रतिपालना करन वाला, पढ़ते हैं तत्ता दाता एक है, सब को देवनहार, देंदे तोट ना आवई, अगणित परे भंडार। केंद्र भाई जो अकाल पुरख परमात्मा समुचे विश्व नूं भरन वाला है, सारियां दी पूर्ति करन वाला है, सारियां दी प्रतिपालना करन वाला है, उस अकाल पुरख परमात्मा दा सिमरन करो, नाम जपत अगणित अनेक है। केंद्र उस अकाल पुरख परमात्मा नूं जपण वाले, उस अकाल पुरख परमात्मा दा सिमरन करन वाले अगणित पाठ करना है। अगणित एड़े नूं डैश दोगे ना, अगणित, अगणित दा अर्थ है कि उन्हां दी कोई गिणती नहीं कर सकता, बेशुमार मन उन्हां दी कोई भी गिणती नहीं कर सकता, जिहड़े अकाल पुरख परमात्मा नूं सिमरदे हन। अकाल पुरख परमात्मा दा सिमरन करन वाले बेअंत हन, वेद पुराण सिमरत सुधाख्यर, जिहड़ी खखे दे थले हलंत है ना, वो ऐड़े दी मात्रा निकलदी, सुधाख्यर सिमरो नाथ, वेद पुराण सिमरत सुधाख्यर। ते सतगुर साहिब महाराज जी कृपा करदे हन कि वेद 18 वेद मन्ने गए हन, इसे प्रकार 4 वेद मन्ने गए हन, 18 पुराण मन्ने गए हन, 27 सिमरतियां हन, सुधाख्यर। ते जिहड़े इन्हां धार्मिक ग्रंथां दे विच पाद वेदां दे विच पुराणां दे विच सिमरतियां दे विच सुधाख्यर तों भाव के जो शुद्ध अक्षर हन, पवित्र अक्षर हन, किन्ने राम नाम एक अक्षर। केंद्र ये वेद पुराण सिमरतियाँ जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सारे अकाल पुरख परमात्मा दे नाम की ही व्याख्या करते हैं, किन्ने राम नाम एक अक्षर। केंद्र जो परमात्मा का राम नाम रूपी अक्षर है ना, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये भी अकाल पुरख परमात्मा का नाम जपण वास्ते ही प्रेरते हैं। आप धार्मिक ग्रंथां दे विच भी एक ही उपदेश है कि भाई अकाल पुरख परमात्मा के नाम के नाल, अकाल पुरख परमात्मा के सिमरन के नाल जुड़ना करो, किनका एक जिस जीव सावै। कहते एक किनका भी जे साडे जीव तो पाप के हिरदे दे विच वस जाना करे, पाप ये जीव किनका मात्र भी परमात्मा का नाम अपने हिरदे विच वसा लेना करे। बाणी विच पढ़ते हैं ना, कट्टे पाप असंख नावै एक कणी। कहते किनका मात्र भी परमात्मा का नाम साडे हिरदे दे विच वस जाना करे ना, ते साडे असंख तो पाप जिन्हां पापां दी कोई गिणती नहीं वो सारे पाप कट्टे जांदे हन। देखते हैं ना लकड़ा जिंदियां मर्जी हुण तुसीं लकड़ां दे अंबार ला देना करो, लकड़ां दे ढेर ला देना करो, एक छोटी जी अग दी चंगारी उन्हां सारियां लकड़ां नूं साड़ के सवाह कर दिंदी है। इसे प्रकार परमेश्वर का नाम है। असीं अपने जीवन दे विच बड़े पाप कीते होणगे, पता नहीं पहले जन्मां दे विच भी कितने पाप कीते हन उन्हां दी कोई गिणती नहीं, ते रोज़ जीवन दे विच जाने जां अणजाने दे विच पता नहीं कितने पाप कर बैठते हाँ, पर सतगुरु साहिब महाराज जी फरमाउंदे हन किनका एक जिस जी बसावै। कहिंदे किनका मात्र भी परमात्मा का नाम साडे हिरदे दे विच बस जाना करे, ताकि महिमा गनी ना आवै। कहिंदे उस जीव की जिहड़ी महिमा है ਉਹ ਗਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ,
जो साढ़े बिचों कई सवाल होगा जी पाठ तो बहुत करते हाँ नितनेम बहुत करते हाँ इन्ने इन्ने पाठ असी सुखमनी साहब जी के करते हाँ पर जीवन के सुधार नहीं आता रस नहीं बनता आनंद नहीं बनता। इस बाद आनंदा की पुरी आनंदपुर के सिखा ने भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कि सतगुरु साहब महाराज जी बाणी बहुत पढ़ते हाँ सिमरन बहुत करते हाँ कथा बहुत सुनते हाँ कीर्तन बहुत सुनते हाँ पर आनंद नहीं बनता टकार नहीं बनता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस वेले काजू बदाम इलाचियां आदक ये समगरी पा के ना सरदई तैयार करवाई जिमें मन लेना करो बाल सुबीर का लंगर तैयार होया उन्होंने समयों के बदाम सरदई में आदक कोट के सरदई तैयार की जाती सी सरदई तैयार करवाई तो सतगुरु साहब महाराज जी ने वो सरदई बाटिया के गलासा के पा दी तो जिन्हों का स्वाद सी ना सतगुरु साहब महाराज जी के समझाने का तरीका बड़ा वखरा सी। सतगुरु साहब महाराज जी कह लगे इन्हों बाटिया के गलासा के सरदई है जां मिठा पानी कह लेना करो सौखे लफ्जां दे विच पर सारे सिखा ने इनू अपने अंदर नहीं लै करके जाना बाप ये कुरले करते हैं जिमें असी गर्म पानी के कुरले करते हाँ ना उन्होंने अंदर नहीं लैके जाते कुरले करके तो बाहर सुट देंगे हाँ तो सतगुरु साहब महाराज जी कह लगे ये सरदई है इनू किसी ने भी पीना नहीं पाप अंदर नहीं लैके जाना ये कुरले करके बाहर सुट देना है। गुरु पिता का हुक्म सी सारिया ने कुरले किए तो कुरले करन तो बाद जड़ा चीज़ सी उसनों बाद सुट दिता जदों कुरले करन तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पूछन लगे कि भाई किवें दा स्वाद सी ते सिख कहन लगे सतगुरु साहब महाराज जी स्वाद का पता तो ता लगता जे कुछ अंदर जाता तो ता ही पता लगता ना कि कितना स्वाद सी जे कुछ अंदर लैके जाते तुसी आख्या सी कि कुरले करने हन तो सतगुरु साहब महाराज जी कुरले करके सारा कुछ तो बाहर सुट दिता फिर स्वाद का पता किवें लगेगा रोटी खावांगे ता ही पता लगेगा ना कि स्वाद सी जां नहीं स्वाद सी किसी चीज़ नूं अपने अंदर लैके जावांगे फिर ही स्वाद का पता लगेगा ना तो कह लगे सतगुरु साहब महाराज जी स्वाद का पता तो ता लगता जे कुछ अंदर जाता तो असी तो कुरले किए हैं तो सतगुरु साहब महाराज जी कह लगे भाई यही तो समझाना चाहते जे कुछ अंदर लैके जाओगे जे गुरबाणी नूं कन्नां दे नाल सुन के अपने हिरदे दे विच लैके जाओगे ता ही तो जीवन दे विच आनंद बनेगा ना ता ही तो यह तपदा होया मन शांत होगा हिरदे दे विच शांति ता ही आवेगी जे कुछ अंदर लैके जावांगे तो हिरदे दे विच वसावांगे तो इत्थे भी सतगुरु साहब महाराज जी कृपा करते हैं कि किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे कहिंदे एक किनका मात्र भी परमात्मा का नाम हिरदे विच बस जाना करे ना तो ओदी भी वडियाई नूं बयान नहीं किया जा सकता। तो सतगुरु साहब महाराज जी अखीर दे विच कृपा करते हैं कांखी एक है दर्श तुहारो ये अकाल पुरख परमात्मा जो आप दियां दे दर्शनां दे कांखी तो पाव के इच्छुक हैं जिन्हां दे मन दे विच अपने आप जी दे दर्शनां दी प्यास है जिन्हां दे हिरदे दे विच ये लालसा है कि मैं भी गुरु नानक देव महाराज जीआं दे दर्शन करा जिन्हां दे मन दे विच दर्शनां दी प्यास है दर्शनां दी इच्छा है नानक उन संग मोहे उधारो। गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु साहब महाराज जी कृपा करो सानू भी उन्हां दी संगत बख्शो जिन्हां दे मन दे विच आप जीआं दे दर्शनां दी इच्छा है सानू भी उन्हां दी संगत बख्शो क्योंकि उन्हां दी संगत दे नाल नानक उन संग मोहे उधारो उन्हां दी संगत दे नाल मेरा भी उदार हो जाना करे मैं भी संसार रूपी समुद्र तो पार हो जावा मैनू भी ऐसे रब दे प्यारियां दी संगत बख्शना करो। हर रोज़ अरदास दे विच भी पढ़ते हैं ना सही सज्जन प्यारियां दे मेल कराने जिन्ना मिलिया आप जिया का नाम जिते आवे कि जिन्ना दी संगत करके आप जिया का ख्याल आवे आप जिया का नाम चेते आवे आप जिया के दर्शनों की प्यास हिरदे दे विच वध जाना करे
गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु साहब महाराज जी ऐसे रब के प्यारियां की संगत दे विच साडा भी उधार करदा करो, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम। ये रहाओ वाली पंक्ति है, तो रहाओ वाली पंक्ति दे विच श्री सुखमनी साहब जी का पूरा सिद्धांत है। तो सतगुरु साहब महाराज जी रहाओ वाली पंक्ति दे विच कृपा करते हैं सुखमनी सुख, कहिंदे ये जिहड़ी सुखमनी बाणी है ना भाई, ये सुख देण वाली है। तो सुख किवें मिलता, अमृत प्रभ नाम, क्योंकि इस सुखमनी साहब जी की बाणी दे विच परमात्मा का अमृत रूपी नाम है। परमात्मा का अमृत रूपी नाम इस सुखमनी साहब जी की गुरबाणी दे विच है, जिस करके इसनों पढ़न दे नाल सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। भगत जना कै मन विश्राम, ते इहदा वासा कित्थे है? कहिंदे भगत जना जिहड़े रब दे प्यारे भगत जन हन, जिहड़े गुरमुख जन हन, कहिंदे उहनां दे हिरदे दे विच इस गुरबाणी का निवास है, अथवा उहनां दे हिरदे दे विच परमात्मा दे अमृत रूपी नाम का निवास है। जिहड़े रब दे प्यारे भगत गुरमुख जन हन, रहाओ। ये सतगुरु साहिब महाराज जीआं ने कृपा करके अज पहली पौड़ी की सानू दात बख्शी है। सतगुरु साहिब महाराज जी कृपा करन, ये सतगुरु साहिब महाराज जीआं दा पवित्र उपदेश साढ़े भी हिरदियां विच वस जाना करे, असी भी वध तो वध गुरु के चरणों में अरदास करिए कि सतगुरु साहिब महाराज जी सानू भी वध तो वध सेवा सिमरन की दात बख्शो, जिस करके इहो लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले की दात प्राप्त हो जाना करे। विचारां दी सांझ पाउंदे आ होइयां बेअंत फुल्लां दी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, श्री गुरु कियां संगतां ने गवाही।